दिवाली पर रोक के बावजूद दिल्ली वाले रात भर इतने पटाखे जलाए कि सुबह तक हवा ही जहरीली हो गई। देश की राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से सुबह सुबह सूरज उगने के बावजूद धुंध जैसा दिखाई पड़ा। इंडिया गेट के आसपास का इलाका हो या फिर अक्षरधाम मंदिर, हर तरफ ऐसा लगा मानो धुंध की चादर बिछी हो। यही हाल दिल्ली के आसपास के इलाकों, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे इलाकों में भी नजर आया। इसकी वजह दिवाली के मौके पर रात भर चले पटाखों को मारा गया है। दिल्ली NCR की हवा जब दमघोटू हो गई तो प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए आनंद विहार सहित कई इलाकों में पानी का छिड़काव करने वाली गाड़ियां सड़कों पर उतार दी गई। तो जब दिल्ली के आबो हवा में प्रदूषण का स्तर साफ साफ दिखने लगा तो प्रदूषण मापने के पैमाने पर ध्यान जाना स्वाभाविक भी था। रात को मने जश्न ने सुबह होने तक किसी तरह दिल्ली और इसके आसपास के इलाके को गैस चैम्बर में कैसे बदल दिया, आंकड़े इसे बताते हुए दिखे। दरअसल आज सुबह दिल्ली का AQI 326 पहुंच गया, जिसे खतरनाक माना जाता है। इसी तरह नोएडा का AQI 323 पर पहुंच गया, जबकि गुरुग्राम का AQI 319 पर पहुंच गया। जहां तक AQI की बात है तो AQI 0 से 50 के बीच में अच्छा माना जाता है, जबकि 51 से 100 के बीच में संतोषजनक माना जाता है। दिल्ली का AQI 326 बहुत खराब के दायरे में आया और यही हाल नोएडा और गुरुग्राम का भी रहा। दिल्ली NCR का यह हाल तब रहा जब दिल्ली सरकार ने पटाखे जलाने पर रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट भी पटाखों को लेकर के बेहद सख्त था। बीते साल तक दिल्ली की खराब हवा के लिए दिल्ली सरकार आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहराती थी, लेकिन इस बार जब दिल्ली और इसके आसपास की सुबह दमघोटू हवा के साथ हुई तो बीजेपी ने इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। अरविंद केजरीवाल सरकार की रोक के बावजूद दिल्ली में जगह जगह खुलेआम पटाखे बिके और पटाखे बिके तो जमकर आतिशबाजी भी हुई। इन सब के लिए तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया ही, साथ ही बीते 15 दिनों से पंजाब में बेलगाम तरीके से पराली जलाए जाने का भी आरोप बढ़ा। पराली जलाने पर कोई भी कार्रवाई आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर पराली गलाने के नाम पर करोड़ों के विज्ञापन देने और बेकार पड़े स्मॉग टावर के नाम पर दिखावा करने का आरोप लगाया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के नाहर लागून बाजार में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि 700 से ज्यादा दुकानें जल करके खाक हो गई, क्योंकि आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरे बाजार को अपने चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों दुकानें धू धू कर जलने लगी। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम के पसीने छूट गए और जब तक आग बुझी तब तक 700 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। इस भीषण अग्निकांड में दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानदारों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की लापरवाही से इतना बड़ा अग्निकांड हुआ। लोगों का कहना है कि जब सिर्फ दो दुकानों में आग लगी थी तभी फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी, लेकिन उन्होंने आने में देरी की, जिसकी वजह से 700 से ज्यादा दुकानें स्वाहा हो गईं। हम रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, फायर ब्रिगेड स्टेशन में ड्यूटी है, ऑफिसर से लेकर कांस्टेबल तक ड्यूटी करने वाला को पूरा को सस्पेंड करो। घटना से नाराज दुकानदार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, साथ ही लोगों ने फायर ब्रिगेड के अफसरों और कर्मचारियों को भी बर्खास्त करने की मांग की है। केरल में 9 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से इस्तीफा मांगने पर केरल की सियासत में भूचाल आया हुआ है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के फैसले के खिलाफ सभी 9 वाइस चांसलर्स हाईकोर्ट चले गए, जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि जब तक राज्यपाल इन कुलपतियों को हटाने का आदेश नहीं दे देते तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। इस बीच केरल में सत्तारूढ़ वाम मोर्चे की सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल RSS के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सब जगह पर RSS के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर जो है उनका अपॉइंटमेंट करना वो चाहते हैं, ये ताकि शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़े। लेकिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि UGC के नियमों की अनदेखी कर लेफ्ट विचारधारा के लोगों को वाइस चांसलर बनाया गया है। The conflict will come if you will try to appoint people in the universities who are not qualified. अब राज्यपाल ने 3 नवंबर तक सभी 9 कुलपतियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्यों ना उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया जाए। अमेरिका में एक सिरफिरी ने एक स्कूल में घुस करके अंधाधुंध फायरिंग की है। हमले में 2 लोग मारे भी गए, फायरिंग करने वाला कोई और नहीं उसी स्कूल का पूर्व छात्र था।
और उसने स्कूल में घुसते ही चिल्लाकर कहा कि तुम सब मरने वाले हो। जिसके बाद 19 साल के हमलावर ऑरलैंडो हैरिस ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी गन से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। अमेरिका के सेंट लुइस में मौजूद सेंट्रल विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स हाई स्कूल में हुई इस वारदात में एक महिला टीचर और एक छात्र की मौत हो गई। 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। Upon hearing gunfire, they ran to that gunfire, located the shooter and engaged that shooter in exchange of gunfire. मारा गया हमलावर ऑरलैंडो हैरिस इसी स्कूल से पिछले साल का पास आउट है। उसने फायरिंग क्यों की इसका खुलासा नहीं हो पाया है। यूपी के ललितपुर में एक एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के ट्रेनिंग सेंटर में रखी एम्बुलेंस में आग लग गई। आसपास मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन तब तक एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात कर दिए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एंटी स्मॉग गन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में लगातार डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में ही डेंगू के 304 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू के 1876 मामले सामने आ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक बाजार में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गईं। इस हादसे में लाखों करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग लगने के कारणों की पड़ताल जारी है। भारत की राजनीति में भी ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक की चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस बात पर सवाल उठने लगे कि क्या हिंदुस्तान में भी किसी अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल ये सारा बवाल शशि थरूर के ट्वीट के बाद शुरू हुआ। उन्होंने ट्वीट किया कि ब्रिटेन के लोगों ने दुनिया में बहुत ही दुर्लभ काम किया है, क्या ये भारत में हो सकता है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया कि ये याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक अल्पसंख्यक को अपने पीएम के रूप में स्वीकार कर लिया है, फिर भी हम एनआरसी और सीए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हैं। महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि महबूबा मुफ्ती जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी, कृपया उत्तर दें। यही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह और द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण देते हुए महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने कहा कि ये भारत और बहुसंख्यावाद का पालन करने वाली पार्टियों के लिए एक सबक है। जिसका जवाब देते हुए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि महबूबा मुफ्ती की भी आलोचना की। देश जो है वो समावेशी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इनकी जो है वो सनकी विकृति इससे ये अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि जम्मू कश्मीर बीजेपी के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने भी महबूबा और कांग्रेस पर हमला बोला। हिंदू या कोई सिख को कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया। हालांकि इस बीच ट्विटर पर मुस्लिम पीएम भी ट्रेंड करने लगा और शशि थरूर के ट्वीट को लेकर कई लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर जी न्यूज ने रविशंकर प्रसाद से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है। क्या महबूबा जी जम्मू कश्मीर में एक अल्पसंख्यक समाज यानी गैर मुस्लिम नेता मुख्यमंत्री आप बनने देंगी, आप स्वीकार करेंगी? यही तो सवाल है आज जम्मू कश्मीर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बनने जा रहे हैं, इन्होंने हमसे सवाल पूछा है तो हमने उनसे सवाल पूछा है।